लोकतंत्र के महापर्व के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रही थी, किंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने नवरात्रि पर अपना प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। आयुर्वेदिक कंपनी बैद्यनाथ के मालिक अनुराग विश्वनाथ शर्मा को इस बार झांसी से अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। आपको बता दें कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के लिए कई प्रत्याशियों के नाम लिस्ट में थे, जिनमें वर्तमान विधायक रवि शर्मा, केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती के नजदीकी बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रविन्द्र शुक्ल के अलावा कई दिग्गजों के नाम शामिल थे। किंतु आज भाजपा हाईकमान ने काफी सोच समझने के बाद प्रत्याशी अनुराग शर्मा के नाम पर मुहर लगाकर अटकलों का बाजार बंद कर दिया। अनुराग विश्वनाथ शर्मा ने 1983 में हिसलाप कॉलेज नागपुर से पढ़ाई की, उसके बाद 1987 में बुंदेलखंड कॉलेज से परस्नातक करने के बाद 2000 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन का कोर्स किया। आज बैद्यनाथ आयुर्वेदिक कंपनी को संभाल रहे हैं। इनके पिता विश्वनाथ शर्मा 1974 में निर्विरोध सांसद चुने गए। बीजेपी से 1991 में हमीरपुर महोबा के सांसद बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने काफी मंथन के बाद यह दांव खेला है। आपको बता दें कि विश्वनाथ आयुर्वेदिक कंपनी विश्वविख्यात कंपनी है। इनकी भारत में कई जगह शाखाएं हैं, बेंगलुरु, झांसी, इसके अलावा आरएसएस के गढ़ नागपुर में भी कंपनी की एक शाखा है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं। आईसीएसई बोर्ड पर नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। झांसी के अलावा ललितपुर दतिया में स्कूल की कई शाखाएं हैं। स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को लाखों की मदद भी ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। सेना के उत्थान के लिए 7 लाख हर वर्ष देते हैं। झांसी की राजनीति में पदार्पण करने वाले अनुराग विश्वनाथ शर्मा एक शांतिप्रिय स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं। इन पर अभी तक कोई आरोप नहीं है। व्यापारी सोच रखने वाले अनुराग शर्मा दिल्ली और झांसी के बीच समय देते हैं। अब देखना यह है कि झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा पर दांव लगाने वाली भाजपा के लिए अनुराग शर्मा कितने सफल होते हैं। मेरी ओर से संदेश, मेरी ओर से तो एक ही संदेश हो सकता है ना भैया, देश को बचाना है, देश को मजबूत सरकार चाहिए, और बिना मोदी सरकार के मजबूत सरकार हो नहीं सकती, और सभी को साथ लेके चलना है। एक ही हाँ जी, रणनीति तो कार्यालय डिसाइड करेगा, जो भी प्रदीप भाई और बाकी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे वही रणनीति रहेगी, उसके अलावा रणनीति क्या रहेगी। न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।